डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये केवल एक एनालिसिस है, आप अपना भी एनालिसिस जरूर करें। आज जिस कंपनी की बात हम करने जा रहे हैं वो एक लॉजिस्टिक क्षेत्र की कंपनी है। इनके पास देश भर में स्थित 9 अंतर्देशीय कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशनों का एक नेटवर्क है। ये अपनी फैसिलिटीज या वेयर हाउसेस और समुद्री बंदरगाहों के बीच परिवहन के लिए 500 ट्रेलरों के साथ 31 ट्रेन सेटों का संचालन करती है। साथ ही ये कई सारी वैल्यूएटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे वेयर हाउसिंग, रेल रोड ट्रांसपोर्टेशन, कंटेनर हैंडलिंग इत्यादि। इसके अलावा इनके पास बिगेस्ट टेम्परेचर कंट्रोल लॉजिस्टिक नेटवर्क भी है। जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं वो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती है। तो सबसे पहले लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के भविष्य कैसा है इसको समझते हैं। वर्ष 2021 तक भारतीय लॉजिस्टिक मार्केट 382 बिलियन डॉलर था और वित्त वर्ष 2026 तक इसके 531 बिलियन डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है। भारतीय लॉजिस्टिक मार्केट को 2020 और 25 के बीच लगभग 7% प्रतिवर्ष से बढ़ने का अनुमान है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको आप ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट में बताएं कि आपको किस स्टॉक का एनालिसिस चाहिए। आइए अब नज़र डालते हैं कंपनी के क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर। अगर आप लास्ट कॉलम में देखें तो दिसंबर 20 में इसकी नेट इनकम 18 करोड़ थी, जो कि बढ़कर सितंबर 22 में 61 करोड़ हो गई। तो हर क्वार्टर दर क्वार्टर में इसने एक बेहतरीन नेट इनकम में इंक्रीज दिखाई है। रेशियो एनालिसिस, अगर आप देखें तो कंपनी की बुक वैल्यू 2019 में 18.4 से बढ़कर 32 हो गई है, जो कि काफ़ी अच्छा पॉजिटिव इंडिकेशन है। हालांकि कि इसका रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड साल दर साल घटा है और मार्च 22 में रिटर्न ऑन एसेट 9.53%, रिटर्न ऑन इक्विटी 13.99% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13.39% है। हालांकि ये 2019 से घटा है, लेकिन ये इतना चिंता का विषय नहीं है। देखते हैं इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो अगर आप देखें तो मार्च 2018 में ये कंपनी नेट प्रॉफिट मार्जिन जो एनुअल परसेंटेज था इसका 10.54% था, जो कि मार्च 22 में बढ़कर के 16.53% हो गया। तो ये काफ़ी अच्छी पॉजिटिव चीज़ है इस कंपनी के लिए। जी हाँ, इस स्टॉक का नाम है गेटवे डिस्ट्री पार्क। अब कई सारे लोग जो वीडियो छोड़कर जाना चाहते हैं उनको बता दूं कि आगे की जानकारी में आपको इस सेक्टर का परफॉर्मेंस कैसा रहा, गेटवे डिस्ट्री पार्क में क्या न्यूज़ इसको भगा सकती है और इस स्टॉक का फोरकास्ट और टारगेट क्या होंगे, तो वीडियो में बने रहिए। साथ ही जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को दबा दें। अगर आप पिछले एक साल का लॉजिस्टिक सेक्टर की ग्रोथ को देखेंगे तो पाएंगे कि इस सेक्टर ने 50% की एवरेज ग्रोथ दिखाई है। गेटवे का ग्रोथ यहाँ पर नहीं दिखाया गया है क्योंकि मार्च 2022 में ये शेयर अपनी दो कंपनीज गेटवे ईस्ट इंडिया और गेटवे रेल फ्रीट के जुड़ने के बाद 75 रुपये पर रीलिस्ट हुआ था। उस वक्त भी सभी एनालिस्ट इसको 90 रुपये पर लिस्ट होने का अनुमान लगा रहे थे। बने रहिए आगे फोरकास्ट के लिए और वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए। आइए देखते हैं इसकी शेयर होल्डिंग। इसको कई दिग्गज ग्रुपों ने, जैसे कि ICICI ग्रुप, मीरा एसेट, HDFC ग्रुप, फ्रैंकलिन इंडिया, बिरला ग्रुप, सभी ने इसके अंदर होल्डिंग है और ये इस पिछले क्वार्टर में सभी ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स ने गुड़गांव में गढ़ी हसरू रेलवे स्टेशन पर स्थित अपने प्रमुख अंतर्देशीय कंटेनर डिपो टर्मिनल पर 6वीं रेल लाइन की शुरुआत की है, जिससे इनकी क्षमता में काफ़ी इजाफा हुआ है। साथ ही कंपनी ने घोषणा की है कि 4 दिसंबर से ICD काशीपुर में एक्जिम और घरेलू कंटेनर ट्रेन सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। इसके अलावा कंपनी ने घोषणा की है कि 2025 तक वो कम से कम 500 करोड़ का निवेश करेंगे अपनी रेलवे लाइंस तथा अपने ICDs के इम्प्रूवमेंट के लिए। इसके अलावा एक नेगेटिव न्यूज़ आई है, जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 24 नवंबर को इनके कंपनी के ऑफिस को रेड किया था। इसके ऊपर इस रेड में क्या निकला, इसके ऊपर अभी कोई भी न्यूज़ नहीं आई। आइए अब देखते हैं फोरकास्ट जो कि ब्रोकर्स के द्वारा दिए गए हैं। मैं आपको दो प्रकार के फोरकास्ट बताने वाला हूँ, एक ब्रोकर फोरकास्ट और दूसरा जो मैंने कि कई सारे डॉक्यूमेंट्स रिसर्च करके बनाए हैं। पहले देखते हैं ब्रोकर फोरकास्ट। उससे पहले मुझे उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लिया होगा। तो शेयर खान ने नवंबर 22 में इसको 92 का टारगेट दिया था और अगस्त 22 में ICICI डायरेक्ट ने 85 का टारगेट दिया था। जो मैंने काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स रिसर्च करके फोरकास्ट देखा है, नेक्स्ट एक ईयर में इसका लो, सबसे लोएस्ट जो प्राइस जा सकता है वो 75 रुपीज़ तक जा सकता है और जो हाईएस्ट प्राइस जा सकता है वो 115 तक जा सकता है।